लाइफ में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें देख के यू थिंक कि भाई कितना चूतिया है ये, देन यू थिंक कि इससे चूतिया तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ वक्त बाद लाइफ में तुम्हें कुछ ऐसा दिख जाता है जिसे देख के यू गो बैक टू स्क्वायर वन एंड से कि भाई क्या अखंड चूतिया है ये। तो इस बात को समझते हुए आज एक पेन किलर खा के सोना, क्योंकि ये मूवी कुछ अलग ही लेवल का सर दर्द देने की शक्ति रखता है, साबुत की साबुत। सो यू हैव बीन वॉर्न्ड। ऑलराइट ऑलराइट। तो कहानी शुरू होती है किसी की शादी से। अबे भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। तो सिंस शुरू होते ही पहले शादी दिखा दी तो बैक स्टोरी का भी जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो आते हैं दूल्हे के दोस्त और बताते हैं कि ब्लह 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 एम्बिशियस लड़का है दोस्त हमारा, ब्लह 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 कॉलेज में पढ़ने जाता है बताओ। ओ जी लेकिन वी आर हैप्पी जी ब्लह ब्लह फाइनली महादेव में अच्छा काम करने के बाद इसको रिकॉग्निशन मिल रहा है एंड ही इज फाइनली गेटिंग प्रॉपर मूवीज विद प्रॉपर रोल्स ब्लह ब्लह। ओ एंड यस फाइनली लड़की भी पटा ली भाई ने। तो लौंडा है मोहित रायना और बंदी है डायना पेंटी। अबे सरनेम है उसका यार, उसकी क्या गलती, चुप कर यार, हंसाऊंगा यार, हट। लेकिन धोखे में मत रहना दोस्तों, मूवी के लीड्स ये नहीं है ब्रो, ये नहीं है ब्रो, मूवी का लीड तो यहाँ है, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बॉयज हॉस्टल से मुफ्त की दारू पीने आए। हम तो पीते हैं कि तू चुप रहे बाबा तू चुप रहे। तो मोहित भाई देते हैं एक टची सा स्पीच कि यो बेबी मैं शायर तो नहीं मगर जब से देखा मैंने तुझको मेरी कान फट गई, क्योंकि तू मिला तो जीने का सहारा मिल गया, तू मिला तो हिलाने का बहाना छिन गया, क्योंकि उलाला उलाला तू है मेरी डेस्टिनी ओवर एंड आउट। ये स्पीच याद रखना, वीजा बनवाने जाओगे तो यही पूछेंगे। और स्पीच सुन के ये शराबी हो गया सेंटी और चला गया पर्सनली कांग्रेचुलेट करने। बस फिर खुल गई पोल, भगा दिया चुत्तड़ पे लात मार के। एंड कट टू 3 years later लौंडा कर रहा है तस्करी खुद की, मतलब इलीगल माइग्रेंट बन गया है, झोल झपाट करके बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, क्यों? Well, जानने के लिए देखते रहिए। तो तस्करी करते करते चूतिया पहुंचा फ्रांस के बॉर्डर पे, लेकिन साथ वाला लौंडा निकला नूब, तो पकड़े गए साले। तो कट टू डिटेंशन सेंटर, सरकारी अफसर बेचारे पूछ रहे हैं कि भैया कहां से आए हो, अरे क्यों गैर कानूनी गांड दे रहे थे, अरे आतंकवादी हो का? बट ही इज लाइक लंदन को मिलने गए, बीजू भाई तो मिले नहीं। लेकिन तभी इसको दिखता है मोहित रायना, तो लगाता है आवाज की भैया आना भैया बचा लो भैया, ये लोग आतंकवादी घोषित करके गांड पे गोली मार देगा भैया, प्लीज भैया प्लीज, अरे हम है वो तो अपनी शादी में उसका दारू पीने आए थे भैया। तो आते हैं भैया जी और बोलते हैं हर जगह बिना इनविटेशन घुसने की आदत पुरानी। ये बात बिल्कुल सही बोली है ब्रो, बिल्कुल। तो ये बोलता है कि भैया आपका स्पीच सुन के इंस्पायर हुए थे। एंड फ्लैशबैक टाइम, तो लौंडा बताता है कि 3 महीने पहले हम ऑल इंडिया खेल कूद सम्मेलन में गए थे, तो स्पॉइलर अलर्ट हम थे एक नंबर के निहायती चमड़ी, तो अपने प्रैक्टिस छोड़ छाड़ गए, स्विमिंग करते हुए लड़कियां ताड़ने चले गए और वहां पे मिली एक राधिका मदन, तो ये सोने सा बदन चांदी सी नजर और रेशम से तो लाइक आई सेड निहायती चमड़ी आदमी थे हम, तो लिए उसके सामने बैठ के फोटो बिना उसकी परमिशन के और कर दिए अपलोड और हो गया वायरल, क्योंकि दैट्स हाउ सोशल मीडिया वर्क्स, मतलब देखो तो सही कैसे लाइक्स बढ़ रहे हैं ब्रो। तो एनानु चढ़िया गुस्सा और वो बॉयज लॉकर रूम में सारे लड़कों को मोलेस्ट करने लग गई, मतलब कतई जिसका कुछ लेना देना नहीं है उसकी भी तौलिया खींच खींच के वीडियो बना रहे हैं। ससुरी हमारे पास पहुंची तो हम तो भैया पोज कर दिए और दीदी शॉक, लेकिन हार आने की बात यह है कि भैया किसी भी लौंडे ने कंप्लेंट नहीं करी। खैर वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन हमने फिर भी नहीं पीछा छोड़ा, उल्टा उसकी ट्रेनिंग कराने लग गए, उसके साथ पार्टियां करने लग गए, और ट्रेनिंग ऐसी कि दीदी आ गई फर्स्ट और पार्टी ऐसी कि कतई रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? बड़ा रियल लाइफ में ऐसा होना हो, हरकतें ऐसी करनी बंद कर दो वरना पिटोगे एकदम लेफ्ट राइट एंड सेंटर, चाहे लड़की हो या ऐसा हो कोई बंदर, समझे? मुझे समझ आ गया। अगर हाँ जी, तो अगला दिन जस्ट कंपटीशन के बाद आ गए दीदी के अम्मी अब्बू और आंटी, बोली अब बेटा अपने दोस्त को भी इनवाइट कर लो। तेरा बर्थडे है, तूने बताया नहीं कब है? नहीं नहीं इसकी शादी है, इसकी शादी है। अबे पेप्सी पिला इसको लौंडे को। तो भैया इसकी जगह शायद KRK भी होता तो समझ जाता, लेकिन ये भाई साहब पार्टी में, अरे मोरी मैया स्पोर्ट्स मीट वालों की पार्टियां भी ऐसी होती हैं, कमाल है ब्रो, स्टेट लेवल तक तो हम भी गए थे, हमारी तो नहीं हुई ऐसी, क्या ये कौन सा स्कीम है? धोल। तो ये जाता है पार्टी में और बोलता है आई लव यू। अरे पागल हो गया तुम। तो लड़की बोलती है कि अरे भैया शादी हो रही है हमारी, गुड्डा गुड़िया खेल नहीं खेल रहे हैं। तो मारता है क्लीशे सा लाइन की तू मेरे को बोल के दिखा कि यू लव हिम। और ये मैडम इतनी महान की साला 2021 है, बाप रहता लंदन में है, फ्रीडम भर भर के है, शादी से पहले मैडम जी ने चीट भी कर लिया, फिर भी साला शादी कर रही है ऐसे बिना प्यार के। और तो और उल्टा ये बोल दिया कि बेटा अगले 3 महीने तक अगर तेरा मुझे याद कर करके खड़ा होता रहा, मतलब दिल खड़ा होता रहा मेरी याद में, तो आ जाना लंदन में शादी कैंसिल कर देगी साबुत की साबुत साला। What the fuck is going on here?
End of flashback. तो मोहित भाई बोले, तो वीजा की जगह तुम्हें शादी का कार्ड लेके आए हैं जिसपे नाम किसी और का है। वीजा के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। अबे तो घर जा, खाना खा, जॉब ढूंढ, पैसा कमा, नाम बना, ये तड़ी पार होने कौन बोला बे तेरे को? आपकी स्पीच ने तो इतना इंस्पायर किया। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। बोला था ना वीडियो के स्टार्ट में, अखंड चूतिए मिलेंगे इस वीडियो में, अखंड। बट एनीवे, तो मोहित भाई बोले अब मैं स्टोरी सुनाएगा। तो ये बताता है कि जस्ट लाइक एवरी अदर रिलेशनशिप इट वाजंट हंकी डोरी ऑलवेज। तो हमरा हुआ बहुत बड़ा झगड़ा और बिगड़ गई बात, एंड वी गॉट सेपरेटेड रातों रात। एंड वंस अगेन एंड अ फ्लैशबैक। तो भैया जी इसको समझाते हैं कि बड़ा तुम कतई चूतिए हो गए, कल ही भेजेंगे तुमको इंडिया वापस साला। और लेके जाता है इसको एयरपोर्ट होटल में, लेकिन ऐसे कैसे एक घंटे में पिक्चर खत्म कर दे ब्रो। तो ये चूतिया खिड़की खोल के टेरिस से कूद के भाग जाता है। वाह वाह मेरे सरकारी अफसर, वाह। तो भाग के जाता है इलीगल इमिग्रेंट्स के इलीगल बस्ती में, लेकिन वहाँ पे मिलते हैं वो लोग जो इसके चक्कर में फ्रांस के बॉर्डर में पकड़े गए थे। तो देते हैं इसको रफा रफ घपा घप पैसे निकलवाने के लिए। तो ये लगवाता है उनसे कॉल, और कॉल लगाता है राधिका चंदन को और बोलता है कि अबे आई एम इन फ्रांस, अरे आ रहा तेरी शादी तोड़वाने। तो एक तो इसने कॉल लगवाया पैसे मांगने के लिए, और चूतिया आशिक लड़ रहा है, तो ये लोग इसको फिर से पेलते हैं। तो कुटने के बाद ये पहुंचा हॉस्पिटल, तो आए मोहित भाई और ले गए इसको बांध के, लेकिन अब रास्ते में इसको दिख गया इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल मंजे अटलांटिक ओशन का थोड़ा सा पार्ट विच सेपरेट्स इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस। तो ये चूतिए का पट्टा बोला कि भाई इसको तो मैं तैर के क्रॉस कर लूं। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? और इस तरफ राधिका संसद भवन टेंशन में है कि साला ये तो अल्ट्रा मैक्स प्रो चमड़ी निकला ब्रो, और करो चीट मंगे तेरे पे ब्लडी चीटर्स। लेकिन भैया हॉस्पिटल से वापस आते आते तो डिटेंशन सेंटर भी बंद हो गया, और अब वीकेंड भी है तो दो दिन तक इसको झेलना पड़ेगा। तो ये लोग जाते खाना खाने, लेकिन अपने मोहित भाई संत और चूते आदमी इसको पकड़ाते हैं थोड़े पैसे और भेजते हैं किसी अंग्रेजन के पास, ये बोल के कि बड़ा जाओ जाके बॉन्डिंग शॉन्डिंग करो, दिमाग से सारा प्यार उतर जाना तुम्हारे। वाह वेरी स्मार्ट वेरी स्मार्ट। लेकिन ये ढीठ लौंडा पूछ के आता है उस दुकान का पता जहां से इसने अपनी ड्रेस खरीदी थी, और अपनी गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स वन साइडेड लव से पूछता है उसका साइज। उसको कॉल करके तो देती है इसको 10 गाली की, वो सिटी की तू यहां तक आया कैसे, जिंदगी में तेरे को इतना सारा कदम समझ में नहीं आया कि इलीगल माइग्रेंट बन गया, चूतिया है क्या, गुगु खाता है क्या बे। लेकिन ये चूतिया अभी भी लगा हुआ है कि ओ बेबी मैं आता हूँ ना बेबी, अरे तू तू शादी तोड़ देना, अरे हम शादी करेंगे ना बेबी। अरे क्या करे जा रहे हो बे, क्या करे जा रहे हो यार। बड़े नहीं हुए तो साइज दीदी ने बताया नहीं, तो ये अल्ट्रा मैक्स प्रो चमड़ी इमेजिन करके बताता है साइज और लेता है ड्रेस। भाई ये कौन सी प्रजाति का प्यार दिखा रहे हो बे, हवस का भूखा रंडवा। तो अगले दिन लौंडा लगा देता है डायना पेंटी को कॉल, क्योंकि मोहित भाई से कुछ हो नहीं रहा। एंड जब कॉल लग ही गया तो पेंटी बोली लेट्स मीट ब्रो, लेकिन मीट करके तो पेंटी जी ने तलाक के पेपर पकड़ा दिए। अब क्या होगा? लेकिन ये आदमी इतना सेल्फ सेंटर्ड है कि रेस्टोरेंट से निकलती दुकान में स्विम सूट देखने लग गया। तो एनानू चढ़िया गुस्सा लेके गया उसको स्विमिंग पूल और बोला आजा आजा साले तैर के दिखा, तू तैर के दिखा। ये रियलिटी शो लगता है तुझे, गाना गाने के लिए बुलाया मैं अन्नू मलिक हूँ। तो जब तैर तैर के टट्टे जाम हो गए तो बोला तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन लाइक आई सेड कि बंदा बड़ा ढीठ और निहायती चमड़ी है, तो मोहित भाई के दारू पी के पास आउट होते ही साला बटुए में से पैसे मार के भाग गया। क्या करने, स्विमिंग करके इंग्लिश चैनल क्रॉस करने ब्रो। ए बाबा रे बाबा रे बाबा तेरा देवा देवा देवा। तो आई घर पे पेंटी दीदी, क्योंकि जाते जाते उसको भी 36 मिस कॉल मार के गया था। तो अब हो ना क्या है, सुपरमैन या एक्वामैन तो है नहीं जो ऐसे ही क्रॉस कर ले। ऊपर से अखंड चूतिया अलग कि चुराए हुए पैसों से ये नहीं कि छोटी मोटी बोट जैसा कुछ ले ले अगर कुछ आता हो तो, ना जाके बकायदा स्विम सूट लेके आए हैं भाई साहब, रास्ते में लग गए लौड़े और डूब गए साला। लेकिन नसीब अभी भी अच्छा है क्योंकि आके कोस्ट गार्ड ने बचा लिया। तो इतना डंडी धोना देख के मोहित भाई ने करी लौंडिया से बात और पूछे ये क्या चूतियागिरी चालू है, तुम लोग को आशिकी लड़ने का यही एक तरीका मिला है, तुम लोग आधे दिमाग में टट्टी लेके पैदा हुए क्या, घूंगी है क्या, जवाब देना क्या क्या करने का क्या है इसका, सोचो मेरे को बता, नहीं तो भगवान जाने ये क्या ही करेगा। तो दीदी बोली आई थिंक अबाउट इट, और शाम को लौंडे से बात कराई तो बोली तो अब ऐसी बकवास बातें करेगी शादी से एक रात पहले, तो घर वालों को तो गुस्सा भी आएगा ना। तो कर दिया पिताजी ने कमरे में बंद, और इस तरफ अब मोहित भाई को आ गई अनोखी गजब वाली एकदम अवेंजर्स लेवल सिंपथी। तो लग गए भैया इस चूते के पट्टे अल्ट्रा मैक्स प्रो चमड़ी के फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लंदन ले जाने में। अबे चूतिए ये सारे इस मूवी में चूतिए क्यों है ब्रो, वो साला यहाँ तक पढ़ाई इलाज या काम करने नहीं आया जो उसकी जैक लगाने में लगे हो, आशिकी लड़ा नहीं 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 खुद अखंड चूतिया बन के लोगों को प्रचंड चूतिया बनाने आया। Exactly, exactly.
बेचारी पेंडी जी भी बोल रहे हैं कि अबे ये सासिके के चौदह के चक्कर में तेरा जॉब चला जाएगा, लेकिन नहीं, डायरेक्टर ने बोला करने का तो करने का। तो सारी मास्टर प्लानिंग करके ये लास्ट टाइम जाता है इलीगल इमिग्रेंट्स के मोहल्ले में और इस लौंडे को उतारता है बाटली में ये बोल के कि ओ बड़ा तू टेंशन ना ले, मैं शादी करके इंडिया जावांगा और तुझे अपने साथ ले जावांगा, क्योंकि ये देश मेरा बाप का है तो कितनी बकचोदी कर लो ये लोग आतंकवादी बोलकर गांड पे गोली मार ही नहीं सकते। अबे देख उस लौंडे को बोल कि हम भी धंधा करने आए हैं, कबूतर नहीं उड़ा रहे। और अब इस तरफ इसकी दोस्त को चढ़िया बुखार, तो लाती है पिज्जा के डब्बे में छुपा के हथियार मोबाइल। तो करते हैं दोनों बाबू सोना आपस में चूतिया बातें, तो लौंडा पूछता है जानवन अब बाकी सब तो ठीक है बट डू यू वांट टू मैरी मी टू। चूतिये ये बातें ना पहले पूछने की होती है, तड़ी पार होने के बाद नहीं। तो दीदी बोली तो निकलते हैं अगले दिन मोहित भाई और ये चूतियों का राजा अपने आखिरी मिशन पे, लेकिन इतनी आसानी से कैसे भैया अभी तो गेम शुरू हुई है। तो जाता है मूवी के स्टार में फंसाने वाला लौंडा और अपनी करारी करारी इंफॉर्मेशन के बदले में मांगता है घर पैसा गाड़ी। बस फिर आ गए सारे सरकारी अफसर और छान मारा पूरा एयरपोर्ट और बकायदा पूरा प्लेन, लेकिन वो चूतिया तो मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि साला टायर के कंपार्टमेंट में छुप के बैठा है। चला थोड़ी रहूं क्योंकि साला अगर पकड़ा जाता है तो इतना जाक लगाने का पॉइंट क्या रह जाता। तो अब ऊंचाई बढ़ते ही पड़ गई ठंड और जम गया इसका लंग। तो भाई साहब हो गए ठंड में बेहोश और बेहोशी में बंदी को इमेजिन करते करते छोड़ दिया खंबा एंड वेल। तो मोहित भाई गए लौंडिया के घर जो शादीवादी तोड़ ताड़ के बैठी है इसके इंतजार में और दिया है इसको ड्रेस जो इमेजिन करके खरीदा था। एंड कट टू एक साल बाद वापस इंडिया में ये भैया जी दे रहे हैं स्पीच इन एन इवेंट जो इस लौंडे की याद में रखा गया है। ब्रो 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 आई अंडरस्टैंड एंड अग्री कि जो आरआईपी इन पीस हो गए हैं उनकी याद में कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरे भाई यह कतई चूतिया था और लिटरली मूवी में हर एक बंदे बंदी ने मना किया उसके बाद भी ये चूतियागिरी करने निकला और चूतिया हरकत करने के चक्कर में आरआईपी इन पीस हो गया, माँ को बिना बताए चले आया था भाई। तो ये सब कंसिडर करके साला ये इवेंट रखने का ख्याल इंसान को आया भी तो कैसे है भैया, हम तो साधारण मनुष्य है, ये हमारी समझ के बाहर। बट एनीवे जग्गी की याद में पार्टी होते होते मूवी खत्म। तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। इस मूवी का नाम शिद्दत बिल्कुल सही रखा है, बिल्कुल सही रखा है, लेकिन ऑडियंस पागल है थोड़ा गलत समझ गई क्योंकि द क्रिएटर्स आर नॉट ट्राइंग टू से कि भैया मूवी में शिद्दत वाला प्यार दिखाया है, ना ना। व्हाट दे मीन इज कि देखो कितनी शिद्दत से खुले में हक के लोगों को सरदर्द देने के लिए हमने ये मूवी बनाई है कतई -3000 लॉजिक के साथ। भाई इतना चूतिया कौन होता है यार है? बट एनीवे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना एंड स्टे अवे फ्रॉम चमड़ी मैटर वाली मर्च, जल्द ही रीस्टॉक हो जाएगी, जस्ट बस कुछ टाइम दे दो, काफी कुछ है हैंडल करने को, तो आई विल सून रीस्टॉक इट। तब तक चिल करो यार, मजे करो हैं, चूतियों से दूर रहो, ऐसे चूतियों से तो बिल्कुल ही दूर रहो, चूतिया लाइफ में बहुत आएंगे, चूतिया लाइफ में बहुत आते हैं, बहुत होंगे और बहुत सरदर्द देते हैं यार, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। चूतियों से दूर रहो, चूतियों के लक्षण देखो और समझ जाओ और पहचान जाओ कि ये चूतिया है और दूर रहो।